नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सपीरियंस वीडियो का ये 17वां पार्ट है और ये आप लोगों का आज का ही एनालाइज है। आप ही के भाई द्वारा ये दिया गया है, तो इसको ध्यान से आप लोगों सुन लेना है कि भी आप लोगों से क्या कह रहे हैं। ओके, तो उन लोगों ने बहुत सी रिक्वायरमेंट रखी हैं और एक एक बात इन्होंने बहुत ही गहन तरीके से बताई है, तो आप लोगों को एक एक बात ध्यान से सुन लेनी है अंत तक। साथ ही साथ मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा, कुछ भाई लोगों का कहना है कि सी और डी वालों का बनाइए, तो दोस्तों उन लोगों का क्या है, अभी जो है एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो उनका हम झूठा नहीं बना सकते। और दोस्तों, यदि जो कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उनका आंसर हम आपको 100% देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उन लोगों के आंसर मिल जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आरपीएफ ट्रेड टेस्ट के लिए मैंने नीचे ही एक चैनल क्रिएट कर दिया है, जिसपे आप आरपीएफ ट्रेड टेस्ट वाले ही बच्चे रहेंगे, तो आप लोगों को उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 1 तारीख से आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आप लोगों को वहीं पर उपलब्ध होगा। ओके, तो आप लोगों को उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये रहा आरपीएफ ट्रेड टेस्ट का एक्सपीरियंस वीडियो 17 नंबर का, इसको आप लोगों को पूरा अंत तक सुनना है कि ये आप लोगों से क्या क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो पूरा ध्यान से इसको सुनिएगा। अपने भाइयों को शेयर करना चाहोगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कॉल लगाया है। यस सर, तो आप ये बताइएगा सर, आपका किस स्टेट से था? मेरा वाटर कैरियर ही था और नासिक के अंदर ही था। हाँ सर, लगभग क्या है सर, अभी वहीं पर ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, इसीलिए वहीं के ग्रुप बी का है, सबका वहीं पे सेंटर है सर। हाँ, तो सर क्या है, मेरे पास कुछ भाइयों के क्या है कमेंट आ रहे हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अभी और जगह के चल नहीं रहे हैं, तो मैं फेक वीडियो कैसे डालूं? मैंने वो वीडियो देखा, मैंने 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, तो थोड़ा सा मैं संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि सही से लोगों ने आंसर नहीं दिया है। हाँ सर, आप थोड़ा उसमें कुछ अपडेट, आप अभी 12 तारीख वाला, 11 तारीख वाला और 10 तारीख वाले के अंदर आप पूछ रहे थे कि तवे पे रोटी फुला सकते हैं कि नहीं फुला सकते। तो सर आप इसमें थोड़ा कुछ, आप, मैं एक बोलना चाहूंगा कि आप क्या है कि थोड़ा सा एक बार शुरू से बताइए किस प्रकार से क्या हुआ सर, जिससे आपके भाई लोगों को 5:30 यस सर, 5:30 to 6:30 के बीच में लोग गेट वेट खोल लेते हैं, बरसात का है तो ज्यादा 15 मिनट आगे पीछे हो जा रहा है। यस सर, फिर वो ग्राउंड में ले जाके बिठा दे रहे हैं, सबका आईडी और वो अपना क्या कॉलेटर चेक करके सबको बिठा दे रहे हैं अंदर ले जाके, फिर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके पास एक पहले से लिस्ट तैयार है, तो सीरियल वाइज बुलाने लग जा रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, फलाने आपका 1 नंबर, फलाने आपका 2 नंबर, इस तरह से पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं, उन लोग नंबर दे दे रहे हैं। हाँ। और ये भी उन लोगों को बताया जा रहा है, लड़कों को आरपीएफ वाले लोग बता रहे हैं सर लोग कि बोले आप अगर नंबर भूल जा रहे हो तो अपने हाथ में पेन लेके लिख लो एक बार। हाँ। आपके अच्छे दिन यही नंबर चलेगा। हाँ, उसके बाद क्या हो रहा है कि नंबर दे दिया आपको, फिर उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बना दे रहे हैं भाई इतना इतने इतने आ जाओ। कितने कितने बच्चों को बनाया था सर आपका ग्रुप? ऐसे देखिए, अंदर ट्रेड टेस्ट के लिए 14 लड़के बुला रहे हैं। हाँ सर, 7 काउंटर लगे हुए हैं और एक एक काउंटर पे 2-2 गैस चूल्हे हैं। यस सर, थोड़ा आप मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो सर, इससे क्या है भाइयों को बहुत मतलब अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मैं बोला नहीं, मेरे को फोन करना पड़ेगा सर। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बोलते रहिए सर, बोलिए सर। तो ये 2-2 चूल्हे हैं, एक एक टेबल पे 7 काउंटर है। हाँ सर, ये हो गया। और पहले वहाँ जब नंबर आपको दे दे रहे हैं तो वो आप कम से कम 500 लड़के बुला रहे हैं, तो 14 × 35 करेंगे तो 35 बेच बन रही है, 35 बेच बन रही है। हाँ, 14 × 35 करेंगे 490 के आसपास हो जाएगा। हाँ हाँ, लगभग मतलब इतना ही बैच बन रही है। हाँ हाँ, 500 मान लीजिए, 10 एक तो एब्सेंट रहेंगे। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक बैच के अंदर से मेरा एक्सपीरियंस ही बोलता है और अनुभव ये बोलता है कि हर एक बैच 14 के अंदर से एक आध को पास कर रहे हैं, हो भी सकता है एक आध बैच के अंदर एक भी नहीं पास हो रहे हो, एक आध बैच के अंदर 2-2, 3-3 भी पास हो रहे हैं। ऐसा सर। हाँ, और मोस्ट ऑफ अब पकौड़ा भी बनवा रहे हैं, उनसे आमलेट भी बनवा रहे हैं, सब्जियां भी बनवा रहे हैं, आटा भी गुथवा रहे हैं। मेरे को तो बोला गया था कि आटा गुठा हुआ पड़ा हुआ था, बोले लोई बनाओ और रोटी बना दो। अच्छा सर, आपसे क्या लोई बनाओ और रोटी बनाओ ऐसा बोला गया? हाँ, आटा गुठा हुआ था मेरे से आगे वाले देश का। हाँ, मेरे को बोला गया लोई बनाओ। हाँ, और रोटी बनाना, और बोले पतली होनी चाहिए और जलनी नहीं चाहिए और फूलनी नहीं चाहिए। मैंने तवे पे ही फुलाया था सर। तवे पे ही फुलाया था सर आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सर एक बात बताइए सर, तवे पे रोटी कैसे? मेरा ये कहना था कि जैसे वो चूल्हा है, बड़ा चूल्हा, उससे आप डायरेक्ट गैस पे आप जाली पे रखो, चाहे किसी को जलनी तो है ही, पूर्ति क्या रहता है गैस का। हाँ, तो वो जहाँ तक बने आप उससे करिए, और नहीं जिस बंदे को नहीं बनता है कि तवे नहीं फुला पा रहा है। हाँ, तो वो तवे का सड़ती भी रखी है, सड़ती से आप तवे को हटा लीजिए और फिर उसके बाद वो जाली को ऊपर ही रखिए, फिर गैस पे रखने से कोई मतलब नहीं है। जाली के ऊपर ही रोटी को रखते हैं, पर उसी के ऊपर सेकते रहें। हाँ, पर गैस पे ऊपर रखें,
उसकी हाइट रखे कम से कम 1 फीट के ऊपर रखे हाँ, ताकि वो जले ना, धीमी आग से फूल जाए। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सर एक बात और बताइए सर, जैसे कि सर आपने सर जो है रोटी सर तवे पे फुलाई, उसके लिए कुछ ऐसा अनुभव बताइए, जैसे सर बच्चे जो है तवे पर रोटी। मैंने क्या किया था सर कि गैस को मैंने एकदम बहुत साइलेंट पे चला रखा था, मैंने ना उसको ज्यादा तेज किया था ना ज्यादा धीमे किया था, मैंने बहुत स्लो कर रखा था। हाँ। एकदम ही स्लो ही रख, जैसे स्टार्ट किया जितना स्लो रखा था उतना अंत तक उतना ही रखा था सर, मैंने ना गैस को बढ़ाया ना कम किया कुछ भी नहीं, एक बार सेट कर दिया आराम से। हाँ, मैं हाथ से ही बुला, चिमटे का भी इस्तेमाल नहीं किया था सर मैंने। तो सर कैसे फुलाते हैं सर, मतलब बताइए सर उसके मतलब क्या ट्रिक क्या है सर? एक साइड से आपने हल्का सा जरा एक साइड से फेंक लिया, फिर पलट दीजिए, फिर दूसरे साइड से हल्का सा फेंक दीजिए, फिर तीसरी बार, मेरा ही मेरा अनुभव है, मैं इस तरह से फुलाता हूँ सर। हाँ। पहली बार के अंदर हल्का सा थोड़ा सा हो गया और फिर दूसरी बार दूसरा पलटी मार तो उसके अंदर भी हल्का लगा, तो फिर तीसरी बार के अंदर हाथ से दबा के, आप आपके पास रुमाल है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते, रुमाल से दबा के हल्का सा दबा दीजिए। मैंने हाथ से किया था सर, हाथ से दबाया था सर आपने। 80% रोटी फूली थी, 80 से 90%। अब मान लीजिए हाथ से फूला है तो एकदम पूरी वो गुब्बारे की तरह तो फूली नहीं है। हाँ, वो मान लीजिए बड़ा चूल्हा था और बड़े चूल्हे पे मेरा जहाँ तक अनुभव बोलता है, आप किससे पूछेंगे बड़े चूल्हे पे डायरेक्ट आप रोटी नहीं फुला सकते, और आप मेज के अंदर काम करने जा रहे हो ना कि घर के अंदर काम करने जा रहे हो, अब वहाँ पे आपको लंगर पूरा चलाना है, तो इस तरह से तवा हटाएंगे फिर देखेंगे सात तक देखते रहेंगे। हाँ सही है सर, तवे पर ही फुलाना पड़ेगा। आप घर के लिए 5-7 आदमियों का खुद ही खाना बनाएंगे, आप एक रोटी के लिए हमेशा तवा हटाते रहेंगे। आप लंगर एक लंगर के अंदर मेज के अंदर खाना बनाएंगे तो आप तवा हरदम खुद ही हटाते रहेंगे। ये सब चीजें वहाँ देखी जा रही है, टेक्निकली देखा जा रहा है, टेक्निकली भी देखा जा रहा है। जो भी जितना ही बोल रहे हैं कि सेटिंग है ये है वो है, वो मैं नहीं मानता हूँ सर, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा सर आपका जो क्वालिफाई हो गया सर? हाँ सर हो गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 10th की मार्कशीट। हाँ सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि 10th की मार्कशीट थी, और अगर आप ST/ST OBC कोटे से तो आपका वो चाहिए सर, सेंट्रल का, सेंट्रल का जाति। हाँ सेंट्रल का, वो भी इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए सर। इंग्लिश में बंदे थे यूपी के, मेरे साथ ही था एक, मेरा कजिन ही था उसके साथ ही था वो। हाँ। तो उसने क्या कर रहा है, कलिंग था, कजिन बोल रहा हूँ सॉरी, कलिंग था वो। हाँ। मेरे बात में उसका यूपी का सर्टी था, कार्ड था, उसके अंदर उसने हिंदी में लिखवा रखा था। हाँ। तो उसको बोला गया कि बोले आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा या तो कास्ट सर्टिफिकेट नया लाना पड़ेगा, उसको 20 तारीख तक का टाइम दिया है, ये अपना TT और DV जो भी है 20 अगस्त तक चलेगा। हाँ। के अंदर अंदर जमा करना है, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और क्या था, 2 फोटो ले जाना है। हाँ। सबके जेरॉक्स एक भी मतलब, फिर उसके अदरवाइज आप कुछ भी लगा रहे हो, 12वीं का लगा रहे हो, BA लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप लगा रहे हो तो ठीक है लगाइए सर। सेंट्रल का जाति इंग्लिश वाला ही चलेगा सर, हिंदी वाला जी सर, हिंदी वाला सेंट्रल का जाति नहीं चलेगा सर? नहीं। और हाँ डोमिसाइल भी ले जाना है, जो अपने हिंदी में आप लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। हाँ डोमिसाइल भी ले जाना है। हाँ डोमिसाइल भी, अगर जाति का है, मेरा तो ऐसा था मैं ओबीसी को कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर, तो मैंने ओबीसी का लगाया था तो मेरा डोमिसाइल चेक नहीं किया था, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर सारा ही आ जाता है। हाँ हाँ कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर सारा ही आ जाता है सर। हाँ के रहवासी है क्या है, इतने साल से रहते तभी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अच्छा सर एक बात सर, थोड़ा वो बैक में जाना है हमको सर, एक बात बताइए सर तवा किस प्रकार का है सर? तवा आपका बताऊँ तो वो अपना वो स्ट्री वाला नहीं है, जो अपने बोलते हैं ना वो क्या हो, नॉन स्टिक बोलते हैं ना, नॉन स्टिक वाला नहीं है, लोहे वाला ही है ऐसा। हाँ लोहे वाला ही है, और तवा वो जो ऐसा बता रहे हैं कि आमलेट बनता है वैसा, ऐसा उतना बड़ा भी नहीं है। हाँ। एक गोलगप्पे वाले नहीं रखते, छोटा सा तवा। हाँ, 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 हाँ। में तो रखते हैं। हाँ। हाँ, छोटा सा ही, अपने घर पे जो तवा रहता है उसका डबल रहेगा, उससे बड़ा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं रहेगा सर, घर वाले तवे से साइज डबल रहेगा ऐसा सर। हाँ ज्यादा बड़ा भी नहीं है वो, बड़ा वाला कुल्छे वाला नहीं है। हाँ छोटा ही है, यानी वो सड़ती से भी आप उठा सकते हो, अगर बंदे को तवे पे फुलाने नहीं आ रही रोटी तो वो उठा के भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। हाँ सर, और सर एक बात और बताइए सर, मैं आपको बताना चाह रहा था सर कि मतलब जैसा उसमें यदि आपने वो सर्टिफिकेट हिंदी में ले गया तो सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो लड़के के साथ तो यही किया गया था कि बोले एफिडेविट ले आओ। हाँ। फिर एफिडेविट बेचारे ने लगाया भी तो बोले एफिडेविट चलेगा, आपको सर्टी नहीं बनानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने खुद ने एफिडेविट लगा रखा है। तो सर वो बाद में इंग्लिश का बन जाएगा ना सर, बना लिया आपने?
नहीं मेरा ये दिक्कत नहीं हुआ था, मैंने जब ये आरपीएफ का फॉर्म डाला था तो उसके अंदर फादर नेम मांगा हुआ था। हाँ। तो फॉर्म में मांगते हैं, तो मैंने क्या कर रखा था, उमेश भाई यादव लिख रखा था, मेरे फादर का नाम उमेश भाई है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट के अंदर उमेश भाई है खाली। हाँ। यादव नहीं है, सरनेम नहीं है मेरे फादर के नाम के पीछे मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट में। हाँ। और मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने उमेश भाई यादव कर रखा था, तो वो सर ने यही कैरी निकाला कि बोले कि यादव क्यों लगा रखा है। हाँ। बोले स्टाफ एफिडेविट, तो मैंने नॉर्मल सा एफिडेविट बना था, मैंने लगा दिया था। हाँ। हाँ सर यही है, फुल एक्सपीरियंस। अच्छा सर, फुल एक्सपीरियंस आपका यही। सर कुछ और स्पेशल आप बंदों से कुछ कहना चाहते हो सर? नहीं, अपना जो प्रैक्टिस किया है तो वो बढ़िया रहेगा, बिना प्रैक्टिस के जाएंगे कोई मतलब नहीं, अगर टाइम वेस्ट करना है तो जाए। हाँ मतलब यदि प्रैक्टिस की है तो ही जाए, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करना है। हाँ, और तो सर वाला काम नहीं होना है यहाँ पे। हाँ तो क्या कहते हैं, अरे यार चले जाएंगे, किस्मत होगी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। वो तो सर यदि सर रोटी फूल गई तो पक्का, नहीं फूली तो कुछ नहीं। नहीं हाँ ये भी बात सही है, रोटी के ऊपर ही लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रोटी फूलनी तो चाहिए, रोटी फूल गई तो, और जलनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। अगर आपने फुला भी लिया है और जल गई है थोड़ी सी, काला वाला आया तो भी रिजेक्ट है, आपको मतलब वो तो सर सीधा सीधा, यदि आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो तो ही जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, 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 और नहीं तो आप पास कर रखे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो छांटना है ना सर। हाँ सर ये भी आपका कहना बहुत ही सही है। जब आप अगर जो मेन काम है उसी के अंदर नहीं आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ एक बात आपका बिल्कुल सही कहना है सर आपका। हाँ मान लीजिए इसी काम के लिए भर्ती है तो फिर इसी काम का अगर कुछ तो आना चाहिए, भले ट्रेनिंग मिलेगी नो डाउट है। हाँ सर तो पर कुछ तो आना चाहिए, उसका अनुभव तो रहना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही कहना उचित है सर। आप अपने भाइयों से कुछ और कहना चाहो तो सर बोलिएगा सर, आपको पता है इसको बहुत लोग सुनने वाले हैं अब। हाँ अभी तो सर अभी मेडिकल का भी है, देखिए उसका फाइनल मेरिट आएगी। तो सर आप मेरे संपर्क में बने रहना सर, इसके बाद में कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा सर, और आप भी मुझे देते रहना, मतलब पूछते रहना कुछ भी हो। जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर से आपको आया क्या हुआ है मेरे सर। हाँ हाँ सर आप भी इसको कांटेक्ट में रहना सर, और साथ ही साथ मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कुछ कहना हो आपको भाइयों से तो बोलिए सर। नहीं साथियों के लिए तो यही है कि थोड़ा सा वो आप देख लीजिए, उनको अगर ये भी रहता है कि उनको सब्जी कटवाना है तो सब्जी वब्जी का जो आपने वीडियो डाल रखा वो एक बार देख लेते हैं, या फिर यूट्यूब के अंदर कटिंग वटिंग का एक बार देख लेंगे कौन सी कटिंग क्या, उधर ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे ये कटिंग करो वो करो। हाँ। कुछ भी नहीं, अब वो सर वो एक्सपीरियंस में नहीं दे पाऊंगा सब्जी क्या कराया, क्योंकि मेरे से वो करवाया नहीं था तो मैं वो फालतू का बोल नहीं सकता हूँ सर। हाँ सर इतना है कि लेकिन सर काम सभी करवाए जा रहे हैं, काम में जैसे पराठा बनवाए जा रहा है, पॉम्पलेट भी बनवा ले रहे हैं, फ्रूट भी कटवा ले रहे हैं, ऐसा हाँ फ्रूट भी कटवाया था। एक बंदा बोल रहा था वो सही बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था मेरे को पता नहीं है, बाकी वो बोल रहा था कि फ्रूट भी कटवाया था ऐसा। हाँ हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला सर। थैंक यू सर। सर आपका जो वीडियो है सर आपको 9:30 पर सर कल सुबह उपलब्ध हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, सबकी हेल्प होनी चाहिए सर और क्या। हाँ हाँ सर यदि मैं अभी भी डाल सकता हूँ लेकिन सर उससे क्या है सर, और जैसे मान लीजिए बंदों को रहने का जैसे बरसात वहाँ पे रह रहे के आ रही है तो कैंप के सामने ही मकान उकान है, वहाँ 200 रुपए में गद्दा और रजाई मिल जा रही है चद्दर। अच्छा है मतलब सर रहने की व्यवस्था बढ़िया, स्टेशन पे रहने स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा ऐसा सर। हाँ तो मान लीजिए शाम को पहुंच गए हैं तो आप अपना नाइट होल्ड वहीं कर लीजिए, मैंने तो वहीं 200 रुपए में रूम ले लिया था, यानी कॉलेज वॉलेज वाले भी वहीं पॉलिटेक्निक भी है बात नहीं। हाँ तो वहाँ पे बच्चे हैं ही सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, तो उनके साथ ही अपने को भी शेयर करने मिल जा रहा है, एक हॉल जैसा है उसमें बहुत सारे कमरे बना रखे हैं वहाँ पे। तो वहीं आप 200 रुपए में आपको एक गद्दा मिल जाएगा, आपको ओढ़ने के लिए कम्बल अम्बल मिल जा रहा है। हाँ चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर, आपने और खाना भी वहीं मिल जा रहा है 70 रुपए में खाना भी दे रहा है, मतलब सब कुछ सुविधाएं हैं सर अपनी वहाँ पर। हाँ जी सर सारी सुविधाएं उपलब्ध है मतलब उनके द्वारा। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, वो भुसावल जैसा काम नहीं होना है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। हाँ सर बहुत अच्छा सर। हाँ 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 चलिए सर है ना। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।